गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने यहाँ तक पढ़ दिया था, प्रोटोजो तक। आपको पैरासाइट और होस्ट के रिलेशंस मैंने आपको समझा दिए थे, और इसके जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो इतने क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट किया था प्रोटोजोआ के जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो कि मैंने आपको बता दिए थे कि आपके प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से करेक्टर होते हैं और ये एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर कहाँ पर लाई करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आज रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको दोबारा से प्रोटोजोआ, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं राइजोपोडा। और राइजोपोडा क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके अंदर किस टाइप के एनिमल्स आते हैं जो आपको किस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रोटोजोआ, जो मैंने आपको बताया था, प्रोटोजोआ एनिमल डाइवर्सिटी में सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। यानी कि सबसे पहले प्रिमिटिव का मतलब, सबसे पहले आपके जो एनिमल्स हैं उनमें जो सबसे पहले एनिमल्स पाए गए थे, या फिर सबसे प्रिमिटिव या फिर सबसे बेसिक यूनिट जो कह सकते हैं हम एनिमल्स की, वो आपके प्रोटोजोन्स होते हैं। बिकॉज प्रोटोजोन्स हैव यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर, जो उनका सेलुलर और जो बॉडी जो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर टाइप का है। यानी कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर उनके होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यानी कि उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपके इतने छोटे हैं, आप सोच सकते हैं एक सिंगल सेल कितनी भी किस साइज़ की होगी, तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटोजोन्स आपके जो होते हैं वो आपके सबसे बेसिक्स हैं, ये आपने दिमाग में रखना है। और देख लीजिए आप, इतनी स्मॉल स्ट्रक्चर है इनका, जिस वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर जाते हैं। क्योंकि हायर एनिमल्स जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज तो करते हैं, वो डिजीज़ उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे जैसे आप हायर डाइवर्सिटीज़ में जाएंगे, वैसे वैसे आपको एंडोपैरासाइट्स मिलने बंद हो जाते हैं। जैसे कि अब बात कीजिए, आप पोरीफेरा में जाइए, सिलेंड्रेटा में जाइए, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे जो डाइवर्सिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी, साइज़ इंक्रीज़ होते जाएगा एनिमल्स का, वैसे वैसे वो एंडोपैरासाइट्स नहीं होते। हाँ, एक्टोपैरासाइट ज़रूर हो जाते हैं, जैसे आपकी जोंक हो गई, आपकी नाक में रहती है, ठीक है, एक हिसाब से आपको एंडोपैरासाइट ही हो गया वो, लेकिन उसको एंडो भी नहीं मानते, उसको एक्टोपैरासाइट होता है वो, क्योंकि वो बाहर की तरफ नाक के नेजल कैविटी में रहता है। तो आपके जैसे जैसे हायर डाइवर्सिटी में जाएंगे वैसे वैसे आपके पैरासाइट्स कम होते जाते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, और ये आपकी बॉडी में एकदम से एंटर कर जाते हैं, और आपको बहुत सारे प्रोटोजोआ की ऐसे बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो देख लीजिए, पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रोटोजोआ का बेसिक करेक्टर्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके अंदर भी थे, कि आपके पैरासाइट्स भी होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाते हैं, म्यूटलिज्म भी दिखाते हैं, बहुत सारे आपके जितने भी आपके होस्ट और पैरासाइट रिलेशनशिप है उनमें से मोस्टली सारे के सारे रिलेशनशिप वो ह्यूमंस के साथ शो करते हैं। तो प्रोटोजोआ का आप ये देख लीजिए, क्लासिफिकेशन देख लीजिए, इसमें देखिए दो आपके सब डिविजन्स हैं, प्लाज्मोड्रोमा और सीलियोफोरा। अब इसके बाद देखिए, प्लाज्मोड्रोमा के अंदर तीन क्लासेस हैं आपकी। सबसे पहली आपकी राइजोपोडा। राइजोपोडा में देखिए, एक्चुअली जो ये आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन्स, कि आपकी जितने भी प्रोटोजोआ के अंदर एनिमल्स आते हैं वो किस किस तरह से मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन कैसे करते हैं, उनके पास चलने के लिए कौन से ऑर्गन्स हैं, उस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। कि कोई फ्लैजेला से चलता है तो उसको फ्लैजेला, उसको आपको मैस्टिकोफोरा में डाल दिया, कोई किसी अनदर से चलता है तो उस बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। तो स्टार्टिंग यहाँ से देख लीजिए, प्लाज्मोड्रोमा के अंदर है राइजोपोडा, मैस्टिकोफोरा और आपका तीसरा है स्पोरोजोआ। तो आज हम पढ़ेंगे राइजोपोडा के बारे में। तो राइजोपोडा के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि राइजोपोडा के अंदर किस टाइप के एनिमल्स आते हैं। तो राइजोपोडा के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं आपके स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया जो हैं वो आपके क्या होते हैं, पहले पॉइंट आता है, देखिए आपने अमीबा देखा होगा, सभी ने लगभग अमीबा देखा होगा। तो अमीबा क्या करता है, चलने के लिए उंगली टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको बोलते हैं पोडिया। बट एक्चुअली दीज आर नॉट पोडियाज, रियल पोडियाज, वो एक्चुअली रियल पोडिया नहीं होते, उंगलियां नहीं होती हूँ, वो होते हैं आपके उनके बॉडी का भाव टाइप का होता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है जीव द्रव्य श्रेणी की आती है, साइटोप्लाज्मिक लेवल पे होता है उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है बहती रहती है। तो उनकी बॉडी से पोडियाज निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो वो उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको स्यूडोपोडियाज निकालते जाते हैं और बॉडी से उनसे मूवमेंट होता जाता है। तो इस टाइप से वो मूवमेंट करते रहते हैं।
राइजोपोडा के अंदर वो सारे एनिमल्स जितने भी आपके अमीबा टाइप के होंगे, ठीक है, जितने भी आपके अमीबा के फैमिली वाले फैमिली आ गई, जितनी अमीबिया से अमीबिया फैमिली होती है, जितनी भी इनकी आपका जो ऑर्डर हो गया उनका जितना भी ये रहता है उनका, वो सारे के सारे आपके राइजोपोडा के अंदर आते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे लोकोमोशन करते हैं पोडिया से, और उनको इसीलिए रखा गया है राइजोपोडा। पोडा से देख लीजिए, राइजोपोडा, पोडा लगा है पीछे तरह, पोडा यानी कि आपका राइजोपोडा यानी कि आपका स्यूडोपोडिया से वो आपका मूवमेंट करते हैं। उसके बाद देख लीजिए माइस्टिकोफोरा के अंदर आ जाते हैं। देखिए राइजोपोडा का एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा अमीबा अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद। उसके बाद देख लीजिए माइस्टिकोफोरा, मैस्टिकोफोरा के अंडर वो आते हैं जिनके जिनके पास चलने के लिए फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला आप जानते होंगे हंटर टाइप का होता है, पीछे से उसको वाइप करके आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिस तरफ उनकी डायरेक्ट जिस तरफ उनको जाना होगा वो, तो उन वो सारे के सारे आपके मैस्टिकोफोरा के अंडर आते हैं। तो मैस्टिकोफोरा के अंडर आते हैं आपके युगलिना, जिसके पास पीछे से एक फ्लैजेला टाइप का होता है, वो हंटर टाइप का होता है, जिसको वाइप करता है और अपना आगे की तरफ लोकोमोशन करता है। तो मैस्टिकोफोरा के अंडर वो सारे के सारे आएंगे जिनके जिनके पास फ्लैजेला होगा। उसके बाद आता है तीसरा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ आपकी वो एनिमल्स आपकी प्रोटोजोआ वो प्रोटोजोन्स हैं जिनके पास किसी टाइप का लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता है। ये इनकी जो लोकोमोशन डिपेंड करती है आपकी मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर ये पानी के अंदर है तो पानी अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये पानी के साथ मूवमेंट करते हैं, अगर ये एयर के साथ है तो एयर के साथ मूवमेंट करेंगे, या फिर इनके वैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे दूँ आपको, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन्स में मोस्टली ट्रांसमिट होता है वो होता है मादा में फीमेल एनाफेलीज। तो जो फीमेल एनाफेलीज होती है वो उसका वैक्टर हो गया आपका प्लाज्मोडियम, जो खुद ब खुद कोई मूवमेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सलाइवा में रहता है और उसकी सलाइवा के थ्रू बॉडी में आ जा ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करता है। यानी कि उसको जो ट्रांसमिट कर रहा है उसको जो ले जा रहा है वो आपका मॉस्किटो है, मच्छर, एनाफेलीज एनाफेलीज जो मच्छर है आपकी, वही उसको क्या करती है ले जाती है इधर उधर। यानी कि वो खुद किसी टाइप का मूवमेंट नहीं करता है, और जब वो बॉडी के अंदर भी जाता है तो हमारी बॉडी की जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसके थ्रू वो लोकोमोशन करता है, उसका खुद का किसी टाइप का लोकोमोशन नहीं होता है। तो वो जितने भी आपके प्रोटोजोन्स जो इनके पास किसी टाइप का लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम, उनको हम स्पोरोजोआ के अंडर रखते हैं। अब आ जाइए दूसरी क्लास में, आपका सब क्लास है आपकी ये सब फाइलम आपका सीलियोफोरा। सीलियोफोरा के अंदर आती है आपकी क्लास सीलिएटा। सीलिएटा से आप खुद समझ रहे होंगे कि सीलिएटा के यानी कि आपके जिसके पास सीलिया होते हैं, तो आपके वो एनिमल वो प्रोटोजोन एनिमल्स जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन्हीं हेयर्स को वाइप करके आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, टूवर्ड्स मूवमेंट। तो आपका वो एनिमल्स जिनके पास सीलिया होते हैं वो सारे के सारे सीलिएटा के अंदर आते हैं। और हम सीलेटे के अंदर जो मोस्टली एग्जांपल है आपका, सबसे बड़ा एग्जांपल आपने नॉर्मली सुना भी होगा, पैरामीशियम, चप्पल के साइज़ का होता है बिल्कुल, और उसकी चारों तरफ पेरीफेरी जो होती है उसकी परिधि होती है, पेरीफेरी लास्ट लास्ट एरियाज होते हैं उसके, उन एरियाज़ में आपकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको वो वाइप करके मूवमेंट करते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे आपका इस टाइप से इसको अरेंज किया गया है, और ये आपके चार टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको अरेंज किया गया है। अब जाके आते हैं आपका राइजोपोडा पे। आई होप आपके समझ में इतना तो आ गया होगा कि राइजोपोडा के अंडर कौन आएंगे। तो राइजोपोडा के अंडर आपके वो आएंगे जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है स्यूडोपोडिया। तो अब देखिए राइजोपोडा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में आपको नॉर्मल थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता क्या है। देखिए एंटामीबा हिस्टोलिटिका नॉर्मली आपको डिसेंट्रीज होती हैं, पेचिस एक्सेट्रा, ये सारे, या फिर डायरिया, ये सारी आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से हो जाते हैं। और ये आपकी मोस्टली स्टमक और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे की जो म्यूकस होती है, म्यूकस लेयर होती है आपकी, सबसे इनर लेयर होती है, जो आंत की जो सबसे इनर लेयर होती है उस पर आपका अटैक करता है और म्यूकस लेयर के अंदर चला जाता है, और वहाँ से आपका लगातार हमारी सेल्स के अंदर का जो टिश्यू फ्लूड होता है और जो हमारा ब्लड होता है उसको लगातार लगातार ईट करता है। जब उसको लगातार ईट करता है तो हमारी जो सेल्स होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और साथ में आपका म्यूकस सिक्रीट करती हैं, और वो म्यूकस के साथ साथ ब्लड भी सिक्रीट करने लगती है जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से स्टूल सैंपल जो होता है वो जो होता है उसमें ब्लड और म्यूकस
बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है, और पेट में पेट दर्द एक्सेट्रा इस टाइप के सिम्टम्स आपको नॉर्मली दिखते हैं, और पेचिस तो खैर नॉर्मल हो रहा है, यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि डिहाइड्रेशन हो गया, एक्चुअली डिहाइड्रेशन नहीं होता है, वो म्यूकस की वजह से और जो टॉक्सिन सिक्रीट करता है आपका एंटामीबा हिस्टोलिटी का, उसकी वजह से वो म्यूकस सिक्रीट होता है बॉडी से, और जिस वजह से डिसेंट्रीज लग जाती हैं। अब देख लीजिए राइजोपोडा, इसके अंदर आपका कंप्लीट पढ़ते हैं इसको, राइजोपोडा के अंदर एंटामीबा हिस्टोलिटिका दे हैव बीन फाउंड इन ऑल पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड वेयर सर्च हैज़ बीन कंडक्टेड। इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स देन द अदर क्लाइमेट्स। देखिए इसका बोलने का मतलब है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं कि आपका एंटामीबा हिस्टोलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह अलग अलग पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन। ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में आपको बताता हूँ कौन कौन से रीजन होते हैं, जिन रीजन्स में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है वो आपके ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक रीजन के अंदर आती हैं, यानी कि जहाँ पे गर्मियाँ आपकी इतनी, देखिए जो सब ट्रॉपिक रीजन होते हैं उनमें वहाँ पे काफ़ी गर्मियाँ होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन में भी काफ़ी गर्मी होती है, ज़्यादा ठंडे इलाके नहीं होते हैं, काफ़ी गर्मी इलाके गर्म इलाके होते हैं, और आपने देखा होगा मोस्टली जो डिसेंट्रीज लगती हैं वो गर्मी के टाइम पर ही लगती है। इसके बाद देखिए हैबिटेट्स देख लीजिए, हैबिटेट्स आपका क्या क्या है इसकी, ट्रोपोजोइट्स ऑफ द एंट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका लिव इन म्यूकस एंड सब म्यूको म्यूकोस 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 लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए बड़ी आंत की, जो बड़ी आंत होती है उसकी उसमें जो आपका म्यूकस और सब म्यूकोसा होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैंने आपको एनाटॉमी के अंदर पढ़ाया था कि आपकी म्यूकस होती है, म्यूकस म्यूकस लेयर होती है, और आपका सेरोसा लेयर होती है, और आपकी मस्कुलर लेयर होती है, इस टाइप की जो लेयर्स होती है इनके अंदर वो एम्बेडेड होते हैं, और वहीं वहीं पर वो अपना फूड कलेक्ट करते हैं बाई सेल्स टिश्यू फ्लूड और आपका ब्लड। उसके बाद देख लीजिए मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाते हैं, थ्री स्टेजेस आर इनकाउंटर्ड, तीन स्टेजेस इसकी लाइफ की पाई जाती है, और तीन स्टेजेस में ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी बॉडी स्ट्रक्चर शो करता है। तो देख लीजिए सबसे पहले आपका एक्टिव अमीबा ट्रोपोजॉइट्स, देखिए एक्टिव अमीबा ट्रोपोजॉइट्स जो आपको नॉर्मली अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा जिसमें वो स्यूडोपोडियाज निकालता है, वो आपकी सारी की सारी जो फेजेस होती हैं वो सारी आपकी आती है एक्टिव ट्रोपोजॉइट्स, उसको बोलते हैं एक्टिव अमीबा ट्रोपोजॉइट्स, जिस फॉर्म में वो स्यूडोपोडिया उसकी बॉडी पे स्यूडोपोडिया होती है और वो मूवमेंट भी दिखाते हैं। उसके बाद आता है इनएक्टिव सिस्ट, इनएक्टिव सिस्ट वो होते हैं जिस टाइम उसके बाहर से एक खोल बन जाता है, बहुत सारे आपके अमीबा होंगे उसके उसके बाहर एक अमीबा के बाहर बहुत एक मोटा सा खोल बन जाएगा और लगातार अंदर का जो अमीबा है वो लगातार टुकड़ों में टूटता जाता है, तो इसके अंदर चार टुकड़े बन जाते हैं मोस्टली, तो उसको बोलते हैं इनएक्टिव सिस्ट, इनएक्टिव सिस्ट यानी कि जो बाहर से वो जो एक लेयर बनती है उसको बोलते हैं आपका सिस्टेशन, जब वो लेयर बनती है तो उस फॉर्मेशन उसको उसको बोलते हैं आपका सिस्टेशन, और जो आपका वो सिस्ट बनता है उसको बोलते हैं इनएक्टिव सिस्ट, क्योंकि वो बॉडी से बाहर आता है, जिस टाइम अमीबा बॉडी से बाहर की तरफ आता है इंटेस्टाइन से, वो मैं बताता हूँ आपको किस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, लाइफ साइकिल बताऊँगा आपको, तो उसके हमारी बॉडी के अंदर से बाहर जब आता है तो उस टाइम वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, देन अगेन वो आपकी इंटरमीडिएट फॉर्म में जब रहता है, तीसरी फॉर्म जो देखिए इंटरमीडिएट प्रीसिस्ट, तो इंटरमीडिएट जो प्रीसिस्ट फॉर्म होती है वो इन्फेक्टिव फेज होती है, और उस टाइम वो बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये तीन फॉर्म है आपकी, और इन तीन स्टेजेस में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, तो ये एक्टिव फेज में भी आता है, इनएक्टिव सिस्ट में भी जाता है, और इंटरमीडिएट प्रीसिस्ट में भी जाता है। तो आप देख लीजिए स्टेजेस दे रखी यहाँ पे, ठीक है, तीनों स्टेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, इनकी साइज़ देख लेते हैं, सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, सबसे छोटा साइज़ किसका होगा। ट्रोपोजॉइट्स इट हैज़ रिमार्केबल लोकोमोशन, रिमार्केबल लोकोमोशन का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोपोजॉइट होता है वो एक्टिव फॉर्म होती है, और जिसमें उसके स्यूडोपोडियाज निकलते हैं और वो आपका मूवमेंट दिखाएगा, मूवमेंट आपको क्लियर उसमें दिखाई देगा। इट हैज़ रिमार्केबल मूवमेंट रिजल्ट फ्रॉम स्यूडोपोडियल एक्सटेंशन ऑफ द एक्टोप्लाज्म इनटू विच एंडोप्लाज्म फ्लो, इट इज़ 15 to 30 माइक्रोन इन साइज, न्यूक्लियस इज 4 माइक्रोन, स्फेरिकल इन शेप, इट हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए आपके जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सारे के सारे
आपका यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, दैट मींस उनके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होगी, और उसके बाद उसके सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी है, और उसके बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल नहीं होगी, याद रखिएगा सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सारे के सारे आपके प्रोटोजोन किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर आते हैं, एंड एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। इसके इसलिए क्या होगा? सिर्फ आपका सेल मेम्ब्रेन होगी। तो याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स और आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एंड अंदर की तरफ आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा आपका जेनेटिक मटेरियल DNA। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म, दो टाइप के प्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, और उसी के बेसिस पे उसमें आपके जो होते हैं स्यूडोपोडियास निकलते हैं। साइज देख लीजिए 15 to 30 माइक्रोन इन साइज। अब उसके बाद आ जाइए न्यूक्लियस इज 4 माइक्रोन स्पेरिकल इन शेप, इट इज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होगी क्योंकि आपका यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं आपके। उसके बाद प्रीसिस्टिक देख लीजिए, इट इज़ कलरलेस, राउंड और ओवल, स्मॉलर देन द ट्रोपोजोइट्स, ट्रोपोजोइट्स से स्मॉलर होता है बट लार्जर देन सिस्ट, सिस्ट से आपका लार्जर होता है, 10 to 20 माइक्रोन इन साइज। उसके बाद देख लीजिए सिस्टिक फेज देख लीजिए, सिस्ट आर द काउंटर्ड आर इनकाउंटर्ड ओनली इन ल्यूमन ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन अंडर अनसुटेबल कंडीशन, सिस्ट बिगेंस एज यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडी बट डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन एंड डेवलप्स इनटू बाइन्यूक्लिएटेड एंड क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। द सिस्ट इज 6 to 15 माइक्रोन इन विद क्रोमेटेड बार्स, इन क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सिस्ट इज क्रोमेडियल बार्स एंड ग्लाइकोजन मास डिसअपियर, इट इज अ मैच्योर एंड इन्फेक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब देख लीजिए प्रीसिस्टिक फॉर्म क्या होते हैं, सिस्टिक फॉर्म होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीसिस्टिक एंड सिस्टिक फॉर्म। देखिए जी, इट इज़ कलरलेस, राउंड, ओवल, स्मॉलर देन द ट्रोपोजोइट्स। देखिए आपका जैसे क्या होता है, ट्रोपोजोइट होता है, ट्रोपोजोइट जब ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ निकलता है तो उसके बाहर बाहर की कंडीशन जो होती है हार्ड होती है बॉडी की कंडीशन से, तो बॉडी की कंडीशन से जब वो बाहर जाएगा तो उसके डिसअपियर होने के चांसेस होते हैं, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, तो उसके बाहर एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको बोलते हैं आपका सिस्ट, तो उसको बोलते हैं आपका प्रीसिस्टिक फॉर्म। ये क्या होता है, सबसे पहले आपका यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बाइनरी फिजन्स होते हैं और ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता है सिस्ट फॉर्म में। तो प्रीसिस्टिक फॉर्म जो होती है वो छोटी होती है और धीरे धीरे उसमें बाहर क्या होता है आपका इंक्रीज करता रहता है वो। उसके बाद जब वो आपकी उसके बाद फिर से वो ह्यूमन की कॉन्टेक्ट में आता है तो सिस्टिक, तो उस टाइम उसको सिस्टिक फेज बोलते हैं। सिस्ट आर द काउंटर इन द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन अंडर अनसुटेबल कंडीशन में आपका ल्यूमन में पाया जाता है। ल्यूमन क्या होती है, व्हाट इज द ल्यूमन? ल्यूमन इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिएगा ल्यूमन क्या होता है आपका, ल्यूमन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है और उसी उसमें आपका ये मोस्टली पाया जाता है प्रीसिस्टिक फॉर्म, सॉरी सिस्टिक फॉर्म। उसके बाद आपका देख लीजिए बाइनरी फिजन, क्वाड्री, लास्ट में आपके चार, जब आपका सिस्ट जब लास्ट में ब्रस्ट होता है तो उससे चार अमीबा आपके बाहर आएंगे, यानी कि चार एंट अमीबा आपके बाहर आएंगे और वो चार एंट अमीबा आपके डायरेक्ट अटैक करेंगे आपकी म्यूकस लेयर पे। ठीक है आपका, तो आप इतना याद रखिएगा कि आपके हो क्या रहे, तो इसमें साइकिल बन रही है आपके, पहले ट्रोफोजोइट था, फिर प्रीसिस्टिक फॉर्म आती है, देन सिस्टिक फॉर्म आती है, एंड देन सिस्टिक फॉर्म के बाद अगेन आपके दोबारा क्या बन जाएंगे, ट्रोफोजोइट्स बन जाएंगे। द सिस्ट इज 6 to 15 माइक्रोन इन द क्रोमेटोइड बार्स। ठीक है, और आपका ये जो साइज होता है इसका, ये आपका 6 to 15 माइक्रोन तक होता है जो सिस्ट का फॉर्म होता है। सिस्ट जो होता है आपका प्रीसिस्टिक फॉर्म से बड़ा होता है। अब इसके बाद देख लीजिए आप लाइफ साइकिल में, देख लीजिए लाइफ साइकिल आपका शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको, काफ़ी लंबा चला गया लेक्चर। लाइफ साइकिल ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड पास विद स्टूल। ठीक है, जो आपका इन्फेक्टेड, सपोज आपका कोई ह्यूमन है जो इन्फेक्टेड है आपके एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, तो उसकी बॉडी से आपका जो सिस्टिक फॉर्म्स होगी वो आपकी उसकी बॉडी से बाहर आएगी। सिस्ट आर द स्वालोड विद कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स बाय मैन। अब देखिए उसके उसके बाद अगर जो जैसे उस इन्फेक्टेड ह्यूमन की बॉडी से वो बाहर आएगा तो हमारे जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू आपका सपोज स्टूल सैंपल उसके कॉन्टेक्ट में आ गया, अगर या फिर आपका वाटर कंटेमिनेटेड है
तो उसके वाटर कंटेमिनेटेड या फूड कंटेमिनेटेड हो गया उस सिस्ट के थ्रू, तो उस सिस्ट अगर आपके फूड और ड्रिंक्स में आ गया तो आदमी उसको क्या करेगा, निगल लेगा, स्वालोड स्वालोड, तो स्वालोड विद कंटेमिनेटेड फूड एंड द ड्रिंक्स बाय मैन, दे पास थ्रू स्टमक एंड रीच इंटेस्टाइन। ठीक है, आपका स्टमक से पास होकर आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। सिस्ट वाल इज वीकेंड, आपकी जो सिस्ट की वाल है जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर चार आपके एंटमी वो बन जाएंगे, और चार आपकी जो सिस्ट की वाल है वो गैस्ट्रिक जूसेस एक्सेट्रा इनकी वजह से क्या हो जाती है, काफ़ी पतली हो जाती है, वीक हो जाती है, और जिस वजह से वो फट जाते हैं। बिकॉज द एल्कलाइन पीएच एंड आफ्टर दैट मेटासिस्टिक फॉर्म कम्स आउट। देखिए मेटासिस्टिक फॉर्म क्या होती है आपकी, यानी कि उसके बाहर की जैसे आपकी जो वाल होती है वो वीक होती जाती है, तो उसको बोलते हैं आपको मेटासिस्टिक फॉर्म कम्स आउट। द न्यूक्लियाई डिवाइड बाय बाइनरी फिजन गिविंग राइज टू एट डॉटर ट्रोफोजॉइट्स। देखिए पहले आपके दो बनेंगे, फिर चार बनेंगे, और उसके बाद चार के बाद आपके आठ ट्रोफोजॉइट्स बन जाएंगे। उसके बाद मोस्टली वैसे आठ नहीं बनते आपके, चार ही बनते हैं मोस्टली, लेकिन अगर अगर ज़्यादा आपका इनफैक्ट अगर उसके अंदर क्या होगा काफ़ी ज़्यादा बाइनरी फिजन हो गए तो एट तक भी बन जाते हैं, लेकिन वैसे मोस्टली अगर आपके पास आते हैं तो फोर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड मोस्टली माना जाता है उसको, लेकिन अगर उसके अंदर बाइनरी फिजन होता है तो चार का आठ ही हो जाएगा। तो डॉटर एट डॉटर ट्रोफोजॉइट्स आपके बन जाते हैं, तो एट डॉटर ट्रोफोजॉइट्स बन जाएंगे। तो डॉटर ट्रोफोजॉइट्स का मतलब जो अमीबा है वो अपनी अडल्ट स्टेज में आ गए हैं। आप कैसे स्टेज में आ गए, अडल्ट स्टेज में, और अडल्ट स्टेज में वो स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन करेगा और डायरेक्ट आपकी जो इंटेस्टाइन की म्यूकस लेयर होती है उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, और जब वो उस पर अटैक करेगा तो फिर से आपका क्या होगा, आप जो ह्यूमन है जिसने आपका ड्रिंक और कंटेमिनेटेड फूड खाया वो बीमार हो जाएगा, यानी कि उसको डिसेंट्रीज लग जाएंगी, म्यूकस सिक्रेट होने लगेगा, और यहाँ तक कि ब्लड भी सिक्रेट, अमीबिया जो अमीबियासिस होता है, खूनी पेचेस जिनको बोलते हैं, खूनी पेचेस आदमी को लग जाते हैं। देख लीजिए इस स्ट्रक्चर के अंदर दे रखा है आपका, ये आपका मैच्योर सिस्ट दे रखा है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाएगा, उसके बाद एक्सिस्टेशन होगा, यानी कि जैसे बॉडी के अंदर जाएगा उसके बाद उसमें एक्सिस्टेशन हो जाएगा, उसके बाद ट्रोफोजोइट निकलेगा, ट्रोफोजोइट मल्टीप्लिकेशन करेगा वहाँ पे, धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करेगा, बहुत सारे बना देगा। उसके बाद अगेन जब उसकी कंडीशन जो आप जैसे आप दवाई लेते हो तो कंडीशन उसकी क्या होती है, अनफेवरेबल होती जाती है, और जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है हमेशा हमारा जो अमीबा होता है वो सिस्ट फॉर्म क्रिएट कर देता है, तो उसके बाद सिस्ट बन जाएगा। सिस्ट के बाद देखिए आगे वो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट, फिर तीन, फिर चार, फिर आठ, और इस टाइप से आपका आठ फेज में वो बाहर आ जाएगा, और इसी फेज में वो बॉडी के फिर से बॉडी कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक्स के थ्रू बॉडी के किसी दूसरे ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला जाता है, कभी कभी किसी एनिमल्स के अंदर भी चला जाता है, जैसे कुत्ते हो गए आपकी, बिल्ली हो गए, इनकी बॉडी में भी चले जाते हैं, जो भी स्टूल सैंपल के ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आते हैं, कंटेमिनेटेड स्टूल सैंपल होगा जो आपका, तो उसके थ्रू बॉडी में चले जाते हैं। तो ये था लाइफ साइकिल, बाकी हम जो इसका आपके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा चला गया लेक्चर, तो आप इतना पढ़ लीजिएगा कि लाइफ साइकिल किस टाइप की, एंटामियोस्टोलिटिक की डिसेंट्रीज लगती हैं, और आपका किस लेयर पर अटैक करती है, सारी क्वेश्चन जो है आपके ये मैं आपसे कल पूछूँगा। थैंक यू।